हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल भीक्षा होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ माय विंटर लुक बुक आई मीन विंटर लुक बुक पार्ट टू होने वाला है पार्ट वन आप लोगों को बहुत पसंद आया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे वेस्टर्न में देख के इतना अच्छा कॉमेंट करोगे बट आप लोगों ने किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों को अच्छा लगा सो so, अभी मैं अपना पार्ट टू लेके आ रही हूँ आई गेस पार्ट थ्री भी आएगा बिकॉज अपने पास बहुत सारा स्टफ अभी बचा हुआ है एंड uh, मतलब मुझे यही लगता है कि यार जो जो चीजें हैं ना वो सारी चीजें आप शेयर कर दो चली तो टाइम बहुत कम है एंड वीडियोस बहुत ज्यादा हैं सो तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड और से अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर sure इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा सो so दैट ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ओके सो टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट लुक मैंने यहाँ पर ये यह ब्यूटीफुल सा थ्री पीस पहना है जिसमें आपको जॉगर नीचे मिल रहा है अंदर आपको टॉप मिल रहा है एंड ऊपर से आपको जैकेट मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी है इसका जो फैब्रिक है वो मोटा है जो कि आपको सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा ये ऐसा चेन वाला है मैं कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने जैकेट भी ऊपर से पहनी अगर आप कम्फर्टेबल हो तो आप बिना जैकेट के भी पहन सकते हो बहुत ही सुंदर लगेगा ओवरऑल कलर बहुत ही प्यारा था मैंने वाइट शूज़ के साथ इसको पेयर किया है लास्ट ईयर भी लास्ट नहीं लास्ट के लास्ट ईयर आई गेस मैंने लास्ट ईयर ही मैंने ऐसा कुछ पहना था और बहुत ही पसंद था मुझे बट वो मैंने अभिक्षा क्लाजेट पे सेल कर दिया था ये मेरे पास दोबारा से आया तो मेरा दिल आ गया मैंने कहा यार इसको फैन की इस बार तो वीडियो बनाना है एंड बहुत ही प्यारा पीस है इसके साथ मैंने बड़े बड़े हुप पहने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं एंड ओवरऑल uh, बहुत प्यारा लग रहा है ऐसा है ना कि इसमें कुछ मिक्स एंड मैच नहीं करना पड़ा विंटर के लिए अगर आपको कहीं जाना है या कुछ भी है तो आपके पास एक परफेक्ट आउटफिट रहेगा जो कि आप ट्रैवल करते समय भी पहन सकते हो बिकॉज बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ही कंफर्टेबल है कलर बहुत प्यारा है एंड ओवरऑल बहुत सुंदर सा लग रहा था तो so ये आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से है पेज का नाम मैं मैंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जो भी लुक आपका फेवरेट होता है प्लीज मुझे एंड में ज़रूर बताने एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट लुक मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है जो कि फॉर एवर ट्वेंटी वन की ड्रेस है ऑफलाइन है ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी है नीचे मैंने फ्लीस पहनी है उसके ऊपर ब्लैक स्टॉकिंग पहनी है एंड बूट पहना है ब्राउन बूट क्यों पहना अभी आपको बताती हूँ क्योंकि मेरे पास इसके ना मैचिंग का ब्लेजर था दिस uh, बहुत ही प्यारा सा ब्लेजर है ये दिस इज़ फ्राम मिंत्रा मिंत्रा से मैंने लिया था लास्ट ईयर लिया था आई गेस मैंने ज़्यादा पहना नहीं है एक ही दो बार पहना है एंड ये ब्लैक कलर की ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही थी आप कोई भी ना अपनी ड्रेस पहन सकते हो जो कि आप समर में पहनते हो उसको विंटर में पहन सकते हो बस आपको ना उसके ऊपर एक लॉन्ग ब्लेजर की जरूरत है जिससे कि ना जो उसका लुक है अपने आप बढ़ जाएगा जब भी आप ड्रेस के साथ ना शॉर्ट ड्रेस के साथ लॉन्ग ब्लेजर पहनते हो और बूट पहनते हो तो वो अलग ही लुक लगते हैं ना अलग ही वाइब लगती है सो so, ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये जो मेरी ड्रेस है ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी इस पूरे लुक को क्योंकि ब्लैक था तो ब्लैक के ऊपर ना ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मैंने फ्लीस पहनी है उसके ऊपर स्टॉकिंग पहनी है मेरे पैर नहीं है जो आपको दिख रहे हैं ये फ्लीस है फ्लीस के ऊपर स्टॉकिंग है तो मैं आपको बार बार बता दूँ जिससे कि आपकी जो सर्दियां हैं वो अच्छे से बचेंगी आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर मतलब आपको ना गर्माहट देगा ऐसा नहीं कि गर्माहट नहीं देगा आप जब चाहो तो आप ब्लेजर को चेन लगा के बंद भी कर सकते हो सो दैट आपको कम गर्मी लगे एंड यहाँ पर मैंने वो जो नई मूवी आई है वेड करके कोई मूवी आई है ना रितेश देशमुख की उसके स्टेप कर रही थी <laughs> नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है जो कि स्कर्ट एंड जैकेट के साथ है यहाँ पर मैंने अंदर ब्लैक कलर की स्टॉ स्पैगेटी पहनी है उसके अंदर मैंने अपना थर्मल पहना है उसके ऊपर मैंने ये आ, स्कर्ट पहनी है स्कर्ट के ऊपर मैंने जैकेट पहनी है मतलब नीचे का सब कुछ पहले से कवर किया है फ्लीस पहनी है फ्लीस के ऊपर स्टॉकिंग पहनी है लेयरिंग इतनी ज़्यादा की है कि मैं आपको क्या बताऊं नीचे आपको इतने कपड़े पहन के रखने हैं कि आपको बिल्कुल भी सर्दी ना लगे गर्माहट का पूरा अनुभव रहे आपको आपको इतने कपड़े पहनने हैं एंड ऊपर से मैंने ये जैकेट पहन ली है पिंक के साथ ये वाइट काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब प्यारा लग रहा था सुंदर लग रहा था और मैंने यहाँ पर पोनी बना ली है पोनी बहुत सुंदर सी लग रही थी इस पर क्योंकि ना जैकेट की जो नेक है वो राउंड में है तो जब वो दिख रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी ये लुक भी आप क्रिएट कर सकते हो इसके साथ मैंने बूट पहने हैं बिकॉज बूट ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सर्दियों में ना आप जब भी स्कर्ट पहनो स्कर्ट के साथ आप बूट अगर पहनते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है तो स्कर्ट और बूट का कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड तो यहाँ पर मैंने ये क्रिएट किया है एंड ट्रस्ट में मैंने इस दिन सात से आठ लुक क्रिएट किए थे आठ लुक क्रिएट किए थे और सारे मतलब मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे अभी जैसे मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे अच्छे लग रहे हैं फिर भी उस समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने किसी भी आउटफिट पे ना रील ली पे नहीं बनाई इसके बाद मैंने बाल खोल के देखा तो ये मज़ा नहीं आई मुझे मुझे लगा नहीं यार बंधे हुए बाल में ही अच्छा लग रहा था तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ जो कि है ये ब्यूटीफुल सा लुक ये मैंने अभी मैं आ, सूरत गई थी तो मैंने ये लुक पहना था तो इस बार मैंने क्या किया है इस बार मैंने फुल स्लीव्स की थर्मल के साथ ये पेयर किया है यहाँ पर मैंने नीचे फ्लीस पहनी है फ्लीस के ऊपर स्टॉकिंग पहनी है स्टॉकिंग के ऊपर स्कर्ट पहनी है एंड इनर पहना है इनर के ऊपर वो थर्मल पहना है थर्मल के ऊपर मैंने ब्लेजर पहना है तो मतलब अच्छा खासा लेयरिंग हुआ है जितनी गर्दन आपको दिख रही ना सिर्फ वही उतनी खाली है बाकी मतलब प्रॉपर कपड़े पूरे पहन के रखे हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर बूट ही पहनेंगे क्योंकि मैंने हील्स पहन के देखी फिर वो मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि जो फ्लीस होती है ना वो आपके आगे के पैर को भी कवर करती है तो वो ना हील्स में बहुत ख़राब लग रहा था तो मैंने यहाँ पर बूट पहना एंड अपनी वॉच पहनी है दैट्स इट ये लुक भी बहुत अच्छा है गर्मियों में पहनना है तो आप स्पेगेटी के साथ ये पहन लो बस नीचे हील पहन लो सर्दियों में पहनना है तो आप फ्लीस पहन लो स्टॉकिंग पहन लो थर्मल पहन लो तो ये सब लुक ना बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं एंड बहुत प्यारे लगते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक जहाँ पर मैंने अपनी हाई वेस्ट जीन्स पहनी है ब्लैक कलर की इसके ऊपर मैंने अपनी स्पेगेटी पहनी है इसके अंदर मैंने थर्मल ऑलरेडी पहना है स्वेटर क्योंकि ना फुल लेंथ का था तो मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा के इसको अच्छे से सिक्योर किया स्वेटर को इसी में बांध लिया एंड अब मैं स्वेटर को देखो मैंने छोटा कर लिया क्योंकि ना स्वेटर जब फुल आ रहा था तो वो लुक नहीं आ रहा था कुछ तड़का देने के लिए ना मैंने यहाँ पर ऐसा किया एंड ये तड़का वाकई में काम किया मैं बस ट्राई मार रही थी बट जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ना ऐसा कुछ देखने को मिलता रहता है इंस्टाग्राम पर इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बालों को बांध लिया कान में दोबारा से मैंने हुप पहन लिए बड़े बड़े बिकॉज वही अच्छे लगते हैं कान में बड़े बड़े से हुप सर्दियों में ना वैसे भी यार अच्छा लुक आता है जब आप अच्छे से पहनते हो तो एंड ये है मेरा फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारा लग रहा था इस बार मैंने लेसेस वाले बूट पहने हैं क्योंकि अगर इनके साथ मैं छोटे वाले पहनती तो वो अच्छे नहीं लगते बहुत ऊपर वाले भी नहीं अच्छे लगते सो आई डिसाइडेड कि हमें यहाँ पर लेस वाले बूट पहनने हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे दीज बूट्स आर फ्रॉम मिंत्रा जो भी बूट वगैरह आएंगे uh, मैं आपको ऑलरेडी डिटेल्स डिटेल की बता चुकी हूँ उसके पहले वाले वीडियो में तो आप चेक कर लीजिएगा एंड इस तरीके से कुछ लग रहा था ये बहुत प्यारा लग रहा था सिंपल बेसिक एंड क्लासी आप चाहे मैरिड हो आप चाहे मैरिड नहीं हो आप कुछ इस तरीके से कपड़े विंटर्स में पहन सकते हो जो कि अच्छे भी लगते हैं नेक्स्ट मैंने ये लंबी सी शर्ट पहनी है बूट और जीन्स वही है जो पहना था ना अभी इसके पहले सेम वही है बस स्वेटर उतार के मैंने यहाँ पर शर्ट डाल ली है अंदर थर्मल वगैरह वैसा ही पहना है सिर्फ और सिर्फ शर्ट डाल ली है ये शर्ट मैंने आज से तीन साल पहले आजियो से ली थी एंड मेरी सबसे बेस्ट परचेज थी बिकॉज ये आपको कभी भी अनकम्फर्टेबल फ़ील नहीं कराएगी ये शर्ट ऐसी है ना कि मतलब अच्छा लगता है प्यारा लगता है सुकून लगता है इस शर्ट में <laughs> क्योंकि टाइट भी नहीं है लूज़ भी नहीं है स्मार्ट भी है इसके ऊपर मैंने ब्लैक जींस की जैकेट पहन ली पहले सोचा क्या पहनू क्या पहनू क्या क्या फिर मुझे याद आया जब ब्लैक नीचे पहना है तो ऊपर भी ब्लैक पहनेंगे तो अच्छा लगेगा तो मैंने ब्लैक जीन्स की जैकेट पहन ली मैंने इनकी स्लीवस को थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश दिखने के लिए आप चाहो तो नहीं भी मोड़ोगे तो भी अच्छा लगेगा इसके बाद मैं चेक कर रही थी इसमें पॉकेट है कि नहीं है क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि जो कि ज़्यादा पहनने नहीं होते तो उनके बारे में मुझे खुद नहीं पता होता एंड ये कुछ इस तरीके से लग रहा था एंड बहुत प्यारा लग रहा था ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था ट्रस्ट मी आप इसको बाहर पहन के जा सकते हो इसमें से ऐसा कोई भी लुक नहीं है कि आप मुझे बोल दो कि नहीं यार ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ऐसे लुक में और सब आपको बाहर मिल जाएंगे आप जब भी बाहर निकलोगे कहीं इसके बाद मैंने सबसे लास्ट सबसे बेसिक लुक किया है जिसमें मैंने एक कार्गो पहनी है ब्लैक कलर की कार्गो पैंट्स, घड़ी लगाई है एंड ये सिंपल सा थर्मल के ऊपर स्वेटर पहन लिया है पिंक कलर का जो मैंने मिंत्रा से लिया था आई गेस ये थ्री फिफ्टी का था थ्री हंड्रेड या थ्री फिफ्टी का तो ये कार्गो व्हाइट शूज एंड ये पिंक स्वेटर इतना प्यारा लग रहा था सबसे ज़्यादा मुझे ना यही अच्छा लगा आई मतलब तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आपको कि ये लुक भी आप कर सकते हो ये बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे क्या विंटर के लुक हैं अगर मुझे कहीं जाना तो मैं क्या क्या पहन के जाऊँगी तो ये मैंने आपको सारे वेस्टर्न वाले ही बता रही हूँ साड़ी वाले भी बताऊँगी इसके बाद तो ये वो लुक हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है आपको कहीं जाना है बस आपने नीचे कार्गो पैंट चढ़ाई ऊपर से आपने स्वेटर पहना नीचे शूज़ पहने दैट्स इट हाई पोनी कर ली तो बहुत प्यारा लगता है कुछ भी रिवीलिंग नहीं है ना तो आपका कोई दिखावा है शो ऑफ है ना तो आपको सर्दी लगेगी मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको गर्माहट का पूरा का पूरा अनुभव देगा तो मुझे ये लुक पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना ऑल्सो आपका फेवरेट लुक कौन सा था ये मुझे ज़रूर बताइएगा बिकॉज लास्ट टाइम जब आपने बताया था ना पार्ट वन में तो मेरा दिल खुश हो गया था एंड पार्ट वन को आपने इतना प्यार दिया है तो पार्ट टू को भी प्यार देना बनता है प्लीज़ दीजिएगा नए वीडियोज़ के साथ क्रिएटिव चीज़ों के साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव बाय थैंक यू